अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत आसान जबान में आपको ये बात समझाने वाला हूँ कि अगर फजर की सुन्नतें छूट जाएँ तो कब पढ़ें या ना पढ़ें, और अगर पढ़ें तो फिर कब पढ़ें, ये बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस टॉपिक पर आने से पहले आप एक बुनियादी बात समझ लीजिए कि असल में सुन्नतों की कज़ा नहीं होती है। अगर जो टाइम है उन सुन्नतों का उस टाइम में पढ़ ली तो ठीक है, और अगर वो टाइम में निकल गया तो फिर सुन्नतों की कज़ा नहीं है। वाजिब और फ़र्ज़ों की कज़ा होती है। टाइम निकल गया फिर भी उस वाजिब का बाद में पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ अपने वक्त और टाइम पर नहीं पढ़ पाया बाद में उसका पढ़ना फ़र्ज है। सुन्नतों के ताल्लुक से ये नहीं है, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती है। ये बात आपने समझ ली। अब अगली बात समझिए कि फजर की सुन्नतें बहुत आला और अफजल हैं, इनकी अहमियत दीगर सुन्नतों के मुकाबले में बड़ी है, इनकी शान दूसरी सुन्नतों के मुकाबले में बड़ी है, इसलिए इनके बारे में हुक्म क्या है अब वो सुनिए कि कब इनको पढ़ सकते हैं और कब नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अगर आपकी फजर की नमाज़ छूट गई, छोना तो नहीं चाहिए कि एक मुसलमान की नमाज़ छूट जाए, आपने ना फ़र्ज़ पढ़े और ना सुन्नतें पढ़ी, अब आप उस छूटी हुई नमाज को उसी दिन जवाल से पहले पहले पढ़ रहे हैं, जवाल से पहले यानी जब सूरज बिल्कुल आपकी छत पर या आपके सर के बिल्कुल मुकाबिल में होता है उसको जवाल का टाइम बोलते हैं, आप उसी दिन की छुटी हुई नमाज उस टाइम से जवाल से पहले पहले पढ़ रहे हैं तो फिर आपको फ़र्ज़ भी पढ़ने चाहिए और सुन्नतें भी पढ़नी चाहिए, यानी आप फजर के फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे और फजर की सुन्नतें भी पढ़ेंगे। ये तो जब है जब आप जवाल से पहले पहले उसी दिन की छुटी हुई फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब दूसरी शक्ल ये है कि आप उसी दिन की फजर की छुटी हुई नमाज जवाल से पहले नहीं जवाल के बाद पढ़ रहे हैं, यानी जोहर का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ रहे हैं। जवाल का टाइम निकल गया, अब जोहर का वक्त शुरू हो गया, अब आप उसी दिन की फजर की छुटी हुई नमाज फ़र्ज पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो फिर अब जवाल के बाद जब आप नमाज पढ़ेंगे फजर की तो सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे, सुन्नतों की कज़ा नहीं है, अब सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, अब सिर्फ़ आपको फ़र्ज़ पढ़ने हैं। जवाल से पहले पहले अगर आप पढ़ते तो फिर आपको सुन्नतें भी पढ़नी थी, लेकिन अब आप नमाज पढ़ रहे हैं जोहर का वक्त शुरू होने के बाद जवाल के बाद, इसलिए अब आपको फजर की सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, फजर की सुन्नतें पढ़ने का हुक्म नहीं है, सिर्फ फ़र्ज पढ़ने हैं। ये दो शक्लें हो गई। तीसरी शक्ल ये है कि आपकी फजर की सिर्फ सुन्नतें छूटी थी, यानी वक्त तंग हो गया था, जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो तुलू आफ्ताब में ये मान लीजिए बिल्कुल दो या तीन मिनट बचे थे, आप दो या तीन मिनट पहले आपने नियत बांधी, सिर्फ फ़र्ज पढ़ें, सुन्नतें रह गई। अगर आपकी सिर्फ सुन्नतें रह गई थी और फ़र्ज आपने पढ़ लिए थे तो उन सुन्नतों की भी कज़ा आप उसी दिन जवाल से पहले पहले तक कर सकते हैं, जवाल के बाद नहीं कर सकते। सुन्नतें आपकी रह गई थी तुलू आफ्ताब की 20 मिनट बाद से लेकर के जोहर का वक्त शुरू होने तक, जवाल से पहले पहले तक आप उन सुन्नतों की कज़ा कर सकते हैं। ये तीन शक्लें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं जिससे सारा ही मसला क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।